मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाकई में बहुत सिंपल होता है ये, बहुत टफ नहीं होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डील कैसे करना है, कैसे अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझ सकते हैं, किस तरह का ये मोशन होता है, वो सारी बातें अपन आज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मोशन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है पीरियोडिक मोशन, एक हो सकता है नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक का एग्जांपल वो तो रैंडम मोशन, कैसे भी आदमी आगे गया, कहीं पीछे गया, फिर आगे गया, फिर आगे ही चला गया, तो सम काइंड ऑफ रैंडम मोशन, इसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक नहीं है, रैंडम मोशन। अब समझना क्या होता है, अब रैंडम मोशन और पीरियोडिक मोशन में क्या डिफरेंस है। पीरियोडिक मोशन होता है कि जो कि खास टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करे। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि खास टाइम के बाद अपना पाथ रिपीट करे, दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। मतलब इसको अपना पाथ जब ये रिपीट करेगा तो जो मोशन होगा दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। मतलब जैसे मैं बोलूं कि यार मैं एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हूं, एग्जांपल मैं बोल सकता हूं जैसे कि देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दो, या क्या बोल दो, या बोल दो पेंडुलम, ये होता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो मैंने बोला कि यार मेरी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, ओमेगा बिल्कुल मेरा कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट से मैं स्टार्ट किया और घूम के एक चक्कर लगाने के बाद मैं वापस यहां आ गया, फिर से एक चक्कर लगाया वापस यहां आ गया, फिर से एक चक्कर लगाया वापस यहां आ गया। मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में मान लो मुझे 2 सेकंड टाइम लगा, अगले चक्कर में फिर 2 सेकंड, अगले चक्कर में फिर 2 सेकंड, वापस से मैं सेम जगह से स्टार्ट हो रहा हूं और एक मोशन मेरा एक पीरियड है, मोशन का एक पीरियड है 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद मैं अपना मोशन रिपीट कर रहा हूं, दैट काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। और मोशन में पीरियोडिक मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, पेंडुलम देखा होगा तुम लोगों ने। पेंडुलम क्या होता है, मान लो मैंने यहां से पेंडुलम को छोड़ा, उसके बाद ये क्या आएगा, ये यहां से वापस आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, तो ये एक तरह का अपना पाथ रिपीट कर रहा है, पाथ ट्रेस कर रहा है और एक खास टाइम के बाद कर रहा है, दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन के भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑसिलेटरी मोशन और एक होता है नॉन ऑसिलेटरी मोशन। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। समझाता हूं क्या होता है, एक बात सोचो, पीरियोडिक मोशन ऐसा जो पीरियोडिक मोशन जो कि टू एंड फ्रो, व्हाट डज दिस मीन टू एंड फ्रो मींस, ऐसा कोई पीरियोडिक मोशन, देखो टू एंड फ्रो मीन्स एक बार मैं आगे जाऊंगा तो अगले बार मैं पीछे आऊंगा, एक बार मैं आगे जाऊंगा अगले बार मैं पीछे आऊंगा, तो ऐसा कोई भी मोशन जो कि टू एंड फ्रो हो, दैट इज ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें क्या हो, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, तो ये टू एंड फ्रो मोशन पीरियोडिक मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। नॉन ऑसिलेटरी का मतलब क्या हुआ, पीरियोडिक तो हो बट टू एंड फ्रो ना हो, जैसे कि सर्कुलर मोशन, घूम के यहां आया या घूम के ऐसे गया फिर ऐसे गया वापस नहीं गया, अगर ये ऐसे जाने के बाद ऐसे जाता तो ये काइंड ऑफ समवट लाइक हम बोल सकते थे ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेशन। ये वर्ड ऑसिलेशन का मतलब ही होता है टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब क्या हुआ कि यार एक पाथ में गया वापस उसी में आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, टू एंड फ्रो। तो यानी कि ऑसिलेटरी मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा तुम्हारा पेंडुलम, और नॉन ऑसिलेटरी का बेस्ट एग्जांपल होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। अब बात ये है, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है, नॉन ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है, तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, तुम बोलना सही है या गलत है, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही सी बात है, जो भी ऑसिलेटरी मोशन होगा वो एक पीरियोडिक मोशन होगा। दूसरा मैं बोलूंगा ऑल नॉन ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही है, ऑल नॉन ऑसिलेटरी मोशन आर ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। कभी कभी
इसको हार्मोनिक मोशन ही बोलते हैं, खैर अलग बात है। चलो, और जैसे मैं बोलूं ऑल पीरियोडिक मोशन, सुनना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटोरी मोशन, क्या ये गलत है या सही है? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता, उसका कुछ टाइप नॉन ऑसिलेटरी भी होता है। यानी कि सारा पीरियोडिक मोशन मेरा ऑसिलेटरी नहीं होता, उसका कुछ टाइप ऑसिलेटरी भी हो सकता है, कुछ टाइप नॉन ऑसिलेटरी भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ये याद रख सकते हो, ये ऐसा होता है। बट हमारा मेन कंसंट्रेशन किसकी बात कर रहे हैं? अपन बात करें सिंपल ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी को हार्मोनिक बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो आखिर ऐसा कौन सा मोशन होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने उसका दिखाया नहीं, जिक्र नहीं किया है। अब हम इसका जिक्र करते हैं और बताते हैं कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। समझना चीजों को मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूँ कि ऐसा कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, जो मेरा ऑसिलेटरी मोशन होता है वहां पे फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स की पावर एन। ऐसा कुछ मोशंस होता है, जो भी ऑसिलेटरी मोशन होता है वहां फोर्स जो होता है वो माइनस एक्स की पावर एन के प्रोपोर्शनल होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, ये होता है जहां पे एन ऑड होता है, ऑड बोले तो 1, 3, 5, 7 ऐसा होता है। तो इवन एफ इज इक्वल्स टू के एक्स की पावर 3, इट इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन। एफ इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 5, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। बट सारे ऑसिलेटरी मोशन में इफ एन इज इक्वल्स टू वन, एन की वैल्यू अगर 1 हुई तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1, वेयर एक्स इज माई डिस्प्लेसमेंट, जहां एक्स मेरा डिस्प्लेसमेंट है। इस तरह के मोशन को ही बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह के मोशन का ही नाम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स की पावर एन, वेयर एन मस्ट बी ऑड बट वैल्यू ऑफ एन मस्ट बी 1, दैट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि इसका पावर 1 होना चाहिए, ना कि 3, ना कि 5, ना कि 7, फिर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होंगे। बात आ रही समझ में? वो सिंपल, वो हार्मोनिक मोशन हो सकते हैं बट दैट विल नॉट बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन जहां फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डिस्प्लेसमेंट की पावर 1, दैट मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हम अब बात करने वाले हैं ऐसे मोशन के बारे में जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें फोर्स एक्स माइनस एक्स की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या अंतर होता है इस तरह का मोशन में, क्या बातें, क्या खास बात होती है, ये मैं समझाता हूँ। देखो, दुनिया में तीन तरह के मोशन हो सकते हैं, तीन तरह के मोशन बोले तो, एक जिसमें क्या हो कि फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो बोले तो वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। दूसरे तरह का मोशन क्या हो सकता है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी वेरिएबल हो बट एक्सेलरेशन क्या हो, एक्सेलरेशन हो बट कांस्टेंट हो। यानी कि ए इज इक्वल टू 2 m/s², ए इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, ए इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग, ए इज कांस्टेंट 2 m/s². उस तरह का जो मोशन होता है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तरह का जो मोशन होता है, उस तरह के मोशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, वी अप्लाई द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v = u + -at, s = ut + -½ad², v² = u² + -2as। तो इस तरह के मोशन अपन ये अप्लाई करते हैं, पहली बात तो ये। तीसरी बात अपने को क्या ध्यान में रखनी है कि तीसरा तरह का जो मोशन होता है उसमें होता है एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। इस तरह के मोशन को कैसे डील करते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है वहां अपन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन निकला है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अगर तुम गौर से देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स
वेयर्स के इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। यहाँ से अगर तुम बात की करो तो एफ को क्या लिख सकते हो तुम, एम इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स, देन वट इज माई एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिंस एक्सेलरेशन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है यानी कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कि यहां पे अपना एस इज इक्वल टू यू टी ये सब नहीं लगा सकते। फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एक फंक्शन दिया गया है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, बाकी का पांच फंक्शन, पांच बोले तो हमें इक्वेशन दिया गया है एक्सेलरेशन और एक्स में, हमें निकालना रहेगा ए और टी में, वी और टी में, एक्स और टी में, ए और वी में, वी और एक्स में, यानी कि कुल मिला के पांच निकालना रहेगा, एक हमें पता होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक्चुअली में इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आड़ी बात समझे, उसके बिना हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सिंपल सा ऐसा कोई भी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस एक्स के, क्योंकि यहाँ देखो ए इज डायरेक्टली, ये कॉन्स्टेंट है, के बाई एम इज कॉन्स्टेंट, तो ऐसे मोशन को ये अपन क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये बेसिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे, और भी इसके इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन अपन डिराइव करेंगे और देखेंगे कि आखिर इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है, ग्राफ कैसा प्लॉट करना है, वो सब बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।